नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खेल नीति। खेल नीति में बातें आज यूपी बोर्ड की। दोस्तों, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं, जिसमें 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शामिल हैं। अब सवाल यह है कि 26 लाख बच्चों का रिजल्ट कैसे आएगा। अभी तक सिर्फ इतना साफ हो चुका है कि 10वीं का रिजल्ट प्री बोर्ड और हाफ ईयरली एग्ज़ाम के औसत को निकालकर तथा संभवतः 9वीं कक्षा का भी एग्ज़ाम शामिल हो सकता है, जिनका औसत निकालकर बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। सेम ऐसा ही प्रोसीजर 12वीं के लिए भी लागू हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जिन छात्रों ने प्री बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दिया था, उनका रिजल्ट कैसे आएगा। संभवतः 9वीं और 11वीं के आधार पर यह रिजल्ट डिक्लेयर किया जाना है, लेकिन जिन छात्रों ने यह एग्ज़ाम भी नहीं दिया है, उनका क्या। अभी इन सवालों का जवाब ना तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पास है, ना ही किसी और के पास। तो देखना होगा इनका एग्ज़ाम कैसे होगा। खबर आ रही है कि कोरोना महामारी से जब हालात ठीक होंगे, तो जो बच्चे अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं, वो एक छोटा सा एग्ज़ाम दे सकते हैं। उन्हीं के साथ जो एग्ज़ाम 11वीं और 9वीं का नहीं दे पाए या प्री बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, उनका भी एग्ज़ाम उन्हीं के साथ हो सकता है, या फिर सबको एक औसत से निकालकर नंबर दिया जाएगा। खबर यह भी है कि अगर कोरोना काल को ठीक होने के बाद एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम केवल 1.5 घंटे का हो सकता है, जिसमें केवल 3 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अब सवाल यह भी है कि अगर कोरोना काल के बाद एग्ज़ाम हो सकता है, तो पूरे यूपी बोर्ड का क्यों नहीं हो सकता। जो भी हो, लेकिन इस दौरान बच्चों का भविष्य मझधार में अटकता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि अभी बहुत सी चीज़ें साफ नहीं हो पाई हैं। धन्यवाद। मैं हूं नीरज यादव और आप देख रहे थे खेल नीति। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।